Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and आज के वीडियो में हम एक ग्लास बॉटल डेकोरेट करेंगे और देखेंगे कि क्रैकल इफेक्ट हम कैसे बॉटल पे दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम बॉटल को क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और क्लीन करने के बाद आप कोई भी कलर इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो. एज अ बेस कोट आप वाइट एक्रेलिक कलर दो और उसके बाद आप जो चाहे वो कलर अप्लाई कर सकते हो. तो ये वाला जो चॉक पेंट है वो मैंने इसके ऊपर दे दिया है स्पंज यूज़ करके. अब हम ये वन स्टेप क्रैकल मीडियम यूज़ करेंगे. जस्ट कोई भी फ्लैट ब्रश ले लो और इस तरह से आपको वो पेंट करना है जैसे आप कोई कलर देते हो, सेम उसी तरह से आपको ये जो क्रैकल मीडियम है उसका एक लेयर दे देना है. अगर आप थिन लेयर दोगे तो आपको जो क्रैक्स है वो छोटे छोटे आएंगे, और अगर आप थिक कोट दोगे तो बड़े बड़े आएंगे. तो अब ये ड्राई हो चुका है. ड्राई होने के बाद हम कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको टू कलर्स यूज़ करने हैं इसके लिए, एक जो क्रैकल मीडियम से पहले करना है और दूसरा क्रैकल मीडियम के बाद करना है. तो जो पहले आप दोगे उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्रैक्स में दिखेगा, मतलब वो कलर आपको क्रैक्स में दिखेगा. तो कोई भी कॉन्ट्रा कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, और सेम फ्लैट ब्रश यूज़ करना हर एक के लिए. अब मैंने यहाँ पे चॉक पेंट ही यूज़ किया है क्योंकि चॉक पेंट क्रैकल इफेक्ट के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, और इमीडिएटली आप देख सकते हो कि क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं वहाँ पे. जो वन स्टेप क्रैकल मीडियम है वो बहुत इजी है यूज़ करने के लिए, और क्रैकल जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत सुंदर आता है. तो इवन नॉट ओनली ऑन बॉटल, लाइक यू कैन यूज़ इट ऑन MDF और प्लास्टिक और टू डेकोरेट एनी मेटल ऑब्जेक्ट. अब इसको भी मैंने ड्राई होने दिया, और फिर हम इसको डेकोरेट करने के लिए ये हैंडमेड फ्लावर्स यूज़ करेंगे. तो ये जो है इनमें से ये छोटा वाला इसके ऊपर अच्छा दिखेगा, और इसके पीछे ऑलरेडी डबल साइडेड टेप होता है तो आप इजीली उसको स्टिक कर सकते हो. तो आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है. वाइट क्रैक्स है इसलिए वाइट जो फ्लावर्स है वो, एंड थोड़े लीव्स है उसमें ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर उस पूरे लुक में ऐड हो रहा है वो उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. और ये जो है वो फाइनल लुक है हमारे इस बॉटल का. फिनिशिंग के लिए आप दोनों वार्निश में से कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हो. ये दो वार्निश जो एक ग्लॉस फिनिश में आता है और एक मैट फिनिश में आता है डेकोर वार्निश का, ये इट्स ए बिट्सी क्राफ्ट स्टोर के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. अगर आपको मैट अच्छा लगता है तो मैट यूज़ करो, ग्लॉस अच्छा लगता है तो ग्लॉस यूज़ करो. दोनों ही अच्छे से इसके ऊपर दिखेंगे, और प्राइस है एक बॉटल का 250 रुपीज़. बट मुझे ये वाली जो बॉटल है वो वैसे ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रखते हैं इसको. और ये फ्लैट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो उसको लगाने के लिए, कोई भी अच्छा फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो, एंड इजीली उसको आप क्लीन भी कर सकते हो बाद में. तो ये ओवरऑल फाइनल लुक है. मैंने चूज़ किया कि मैं वार्निश नहीं दूँगी इसको, यही लुक रखूँगी इसका. क्रैक्स इस तरह से दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है. और ये हैंडमेड फ्लावर्स तो बहुत सुंदर है, और वो इस पूरे DIY का लुक बहुत अच्छे से एनहांस कर रहे हैं. सो गाइस, ये है आज का DIY. आपको ये इजी DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.